नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हैं जो डुमरी खास में है। और आपको बता दें आज हिंदी दिवस है और आज है 14 सितंबर। और आपको बता दें कि भारत में 95% लोगों को नहीं पता होगा कि आज 14 सितंबर और हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस हमारे देश की और हमारे पूरे राष्ट्र की जो है एक भाषा है जिसे हम लोग भूलते आ रहे हैं। बता दें स्पेशली यहाँ बुलाया गया हमें, बहुत ही हमें अच्छा भी लगा, सुनकर के खुशी भी हुई कि कम से कम जहाँ आज के समय में कॉन्वेंट स्कूल हो रहे हैं, टोटल इंग्लिश बोला जा रहा है, हिंदी बोलने पर पाबंदी है, फाइन लगा दिया जा रहा है, वहीं इस विद्यालय में जो है हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात बता दें, यहाँ पे हिल राइडर मानव सेवा समिति के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर विनय कुमार गुप्ता जी हैं और राजा राम मेमोरियल स्कूल के संस्थापक महोदय श्री दीनानाथ जी भी हैं। और उसके बाद आपको बता दें राजा राम मेमोरियल स्कूल के प्रबंधक महोदय श्री चंद्रशेखर जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रधानाचार्य श्री अविनाश कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हैं। और आपको बता दें इस प्रतियोगिता के जो इंचार्ज हैं मिस प्रीति यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बाकी बहुत सहयोगी लोग भी हैं। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिए हैं। सर, हिंदी दिवस के अवसर पे बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो है इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हिंदी दिवस में बढ़ चढ़ करके भागीदारी अपनी निभाई। और मैंने देखा कि बड़े अच्छे से जो है उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में अपने विचारों को उन्होंने रखा है हिंदी दिवस के बारे में। अब बताते हैं कि ये मातृभाषा है और इसका जो महत्व है, देखिए जब माता की बात आती है तो चूँकि मातृभाषा सपने में माता आ रहा है, माता हम उसी को कहते हैं जो हमारा पोषण करता। तो शरीर का अगर पोषण कोई माँ करती है दूध से तो उसे हम माता कहते हैं। इसी प्रकार से एक हम इंसान हैं और हमारी भाषाएं हैं, तो जो भाषा हमें हमारे विचारों को पोषित करे, जो हमारे जीवन को बढ़ाने में सूचनाओं को देने में योगदान अपना दें उसे ही हम मातृभाषा कहेंगे। अब ये हो सकता है कि जो है अलग अलग व्यक्ति का मातृभाषा अलग हो सकता है, परिवार के अनुसार हो सकता है। किसी परिवार का अगर मान लीजिए कि पूरा कल्चर इंग्लिश ही है तो हो सकता है उसकी मातृभाषा इंग्लिश हो। हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मातृभाषा हिंदी है। इसको लेकर के बहुत सारे राजनीतिक विवाद भी हुए, 70 साल हो गया है उस समय, और किन्हीं कारणों से इसे लागू भी होने में बहुत वक्त लगा है। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि धीरे धीरे हिंदी की ये महत्व है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना विस्तार इसने कर लिया है। अब आज की तारीख में हम तमिलनाडु में जाएं, उड़ीसा में जाएं, गुजरात में जाएं, आपको हिंदी में अगर बात करनी है, बेशक वो बात करने में सक्षम हो या नहीं, लेकिन वह बात समझ लेगा, आपका काम चल जाता है। यह हिंदी का विकास गाथा है भारत में। तो हिंदी जो है इस राष्ट्र के लिए जब इसको लागू करने की बात आई तो ऐसा नहीं है कि अगर आधे से ज़्यादा वोट नहीं पड़े होते तो ये संविधान में दर्ज नहीं हुआ होता मातृभाषा के रूप में। इसका मतलब हो गया कि भारत के अलग अलग राज्यों से जितने भी प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे वो उनकी सोच अखिल भारतीय स्तर पर थी। उस समय हिंदी इतनी पॉपुलर नहीं थी पूरे देश में, लेकिन उन्होंने देखा, इसके महत्व को समझा कि हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें हिंदी ही मात्र एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल सहज, सरल और स्पष्ट है और ये आसानी से लोगों में अपनी जगह बना सकती है। इसीलिए तमिलनाडु के भी जो विद्वान वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी हिंदी का समर्थन किया, जो बंगाल से थे इवन सुभाष चंद्र बोस भी, इवन अंबेडकर जी भी, जो अलग अलग राज्यों से थे वो सारे लोगों ने हिंदी का ही समर्थन किया राष्ट्रभाषा के तौर पे। अब किन्हीं कारणों से अगर इतना लेट लगा कोई बात नहीं, फिर भी जो है हम मानते हैं कि हिंदी हमारे लिए उपयोगी है। हर देश की अपनी एक भाषा होनी चाहिए, अलग अलग राज्यों की भाषाएं बेशक वहाँ के लिए उपयोगी हैं, हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम उत्तर भारत से हैं तो इसलिए हम हिंदी की बात कर रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, नहीं, सारे भाषाओं का सम्मान है, लेकिन एक देश के तौर पर हमें एक संपर्क भाषा की ज़रूरत होती है कि ताकि व्यक्ति अपने ही भौगोलिक भूभाग में कहीं भी जाए
तो उसे कम्युनिकेशन करने में, उसे आदान प्रदान करने में, बातचीत करने में, आपस में हर चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इस पर हिंदी पूरी तरीके से खड़ी उतर रही है, इसके लिए हम जो है उन विद्वानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो इतनी भाषाओं में हिंदी को पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक भाषा के तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए। देखिए, मैं हालांकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सारे पाठ्यक्रम इंग्लिश में हैं, लेकिन कभी भी हिंदी को हम लोग जो है प्रोत्साहन से रोकते नहीं हैं, दोनों को ही हम लोग बराबर भागीदारी के साथ चलते हैं। अब चूंकि मातृभाषा हमारी हिंदी है, घर में उनका हिंदी का एनवायरनमेंट है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग जो है हिंदी को भी पूरे व्याकरण सहित पढ़ाने का कोशिश किया जाता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए, आपने प्रश्न सही उठाया कि स्कूल में हिंदी को जो है बैन किया जाता है, इंग्लिश को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं, अब मैं उस शब्द को तो नहीं लूँगा, नहीं तो लोग पकड़ लेंगे, तो उसको बोलते हैं कि फला का कुत्ता न घर का न घाट का। सुने कभी कहावत? तो अब इसमें होता क्या है कि देखिए, एक प्लस एक जोड़ेंगे तो दो होगा, लेकिन अभी होता क्या है कि हम एक जोड़ते हैं इंग्लिश को और हिंदी के आगे माइनस कर देते हैं। अब कितना बचेगा? एक में माइनस और एक में प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, आप बताइए? जीरो। तो यही होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का, वो न हिंदी के हो पाते हैं न इंग्लिश के हो पाते हैं, क्योंकि एक को पकड़ने के लिए दूसरे को छोड़ देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, न ऐसा करने दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि भाषा को भाषा के तौर पे ही रखना होगा। हम न हिंदी के विरोधी न इंग्लिश के विरोधी। हमारी संपर्क भाषा अगर हिंदुस्तान में हिंदी है तो ठीक है, हमें विदेश अगर जाना है किन्हीं कारणों से, वही कारण भी है, अगर अदरवाइज इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती तो विदेश में भाषा हमारी संपर्क भाषा इंग्लिश है। हम कह रहे हैं कि एक भाषा के हम चार भाषाओं की भी जानकार हो जाए तो क्या बुराई है। अगर हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी जान लें, तमिल भी डाल लें। और इसी को ध्यान में रख करके जो है सरकार अभी नई शिक्षा नीति के तहत इसी को कोशिश कर रही है कि व्यक्ति अपने राज्य का तो भाषा जाने, इंग्लिश को भी जाने, प्लस एक दूसरे राज्य का भी भाषा जाने, ताकि राज्यों का राज्यों के साथ मेलजोल बढ़े। अब जहाँ तक भाषा का सवाल है, तो भाषा देखिए, अगर आप देखेंगे किसी शहर में इंग्लिश कोचिंग जो कराते हैं तो वो लिखते हैं कि 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीखने की गारंटी, नहीं तो पैसा वापस। तो जब 90 दिन में एक भाषा की गारंटी मिल रही है तो हम इसके लिए हम हिंदी को क्यों छोड़ दें? तो हम न हिंदी को छोड़ेंगे, न इंग्लिश को छोड़ेंगे और न भारत की किसी भी भाषा को छोड़ेंगे। जहाँ ज़रूरत लगेगा तो हम एक के बदले चार भाषाएं सीखेंगे। और अपने यहाँ ऐसे तमाम विद्वान और हुए भी हैं, एक तो प्रधानमंत्री भी हुए थे, वो नरसिम्हा राव जी, वो तो 18 भाषाओं के जानकार थे। आप सोचेंगे 18 भाषाओं? हाँ, लिखने पढ़ने बोलने के काबिल थे 18 भाषाओं में, तो क्या बड़ी बात नहीं है? तो इसलिए जो है किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं और किसी को जो है बहुत स्वीकार, हाँ हमारी मातृभाषा है, हम इसी में बचपन जीते हैं। हमें अपने परिवार में हमारे जितने भी विचार हैं, हम जितनी भी चीज़ों को जानते हैं, किसी को मामा कहना जानते हैं, चाचा कहना जानते हैं, वो हम जब स्कूल ABCD सीखने कोकर नहीं गए तब भी उस चीज़ को हम जान गए बोलना। तो इसलिए हमारी मातृभाषा है। और मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश जो है, क्योंकि देखिए भाई एक समय साथ छोड़ देगा, या भाई का एक काम है कि चलिए आपकी परवरिश हो गई, अब अपना कमाओ खाओ, तो इंग्लिश हमारा भाई है तो हिंदी हमारी माई है। समझ में आया कि जब आप कमाने खाने की बात आई तो ठीक है, वो भाई के तौर पर काम आएगा इंग्लिश भाषा, लेकिन जब हमें दुख दर्द की बात आएगी, अपने भावनाओं को व्यक्त करने की बात आएगी, तब हिंदी अपने माई के ही पास जाना होगा। तो इसलिए हम जो है दोनों को ही लेकर के चलेंगे और जहाँ जिसकी उपयोगिता होगी उसके अनुसार करेंगे। इसी साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे प्रधानाचार्य सर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। ये हिंदी दिवस मनाया कब से जाता है, इसको राष्ट्र दर्जा कब मिला? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें मौका दिया, और आप सभी बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के। आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा कि संविधान सभा के द्वारा
14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया। हालांकि हिंदी दिवस को मनाने की जो शुरुआत की गई वो 14 सितंबर 1953 से की गई और तब से हम हर साल हिंदी दिवस को मनाते आ रहे हैं। हिंदी भाषा को लेकर के भारत सरकार बहुत प्रोत्साहन कर रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के निबंध प्रतियोगिताएं, कविता, कहानी लेखन, ये सारे काम करके हिंदी भाषा को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हिंदी की महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इससे इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी कुछ राज्य में हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं, तो हिंदी के महत्व को समझा जा सकता है। तो आने वाले समय में इसके प्रोत्साहन की आवश्यकता है और अन्य राज्य भी उसको लागू करें, ये भी अपेक्षा की जाती है। अभी तक आपने जो भी देखा है, जो भी प्रोग्राम हुआ यहाँ पे हिंदी दिवस मनाया गया, उनमें दो बच्चे हैं जो फर्स्ट रैंक पाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बच्चे जो है मेडल भी पहने हुए हैं, सर्टिफिकेट भी इनको मिला है प्रोत्साहन के लिए। और ये मैम हैं जिन्होंने पूरा ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया था। तो मैम, हिंदी दिवस के अवसर पे बच्चों से क्या कहना चाह रही हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाह रही हैं? आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मुझे इस विद्यालय में इंचार्ज का कार्य मिला, मैं इस पे आभारी व्यक्त करना चाहूँगी। मेरे स्कूल के बच्चों ने आज इस हिंदी दिवस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, सभी बच्चों ने अपना अच्छा नंबर लाया। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा हिंदी के द्वारा ही हम अपने मन के भाव को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। कहीं भी हमें जाना हो और वहाँ पे हमको मातृभाषा पता है तो हम आसानी से वहाँ किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। हिंदी में हमेशा हिंदी को प्रथम स्थान इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम बचपन से ही जब विद्यालय जाना नहीं शुरू किए रहते हैं तब से हम पहले हिंदी ही बोलते हैं, इसीलिए हिंदी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसा लग रहा है बेटा, क्या नाम है आपका? अनन्या सिंह। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मेहनत करेंगी? यस। इससे ज़्यादा मेहनत करिए, इससे बड़ा मेडल, इतना बड़ा मेडल आपको यहाँ लगना चाहिए, ठीक है? क्या बनना चाहती हैं? सर आईएएस ऑफिसर। क्या? आईएएस ऑफिसर। थोड़ा जोर से बोलिए। आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, गुड। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस नाम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं? हाँ, पहली बार पार्टिसिपेट है। सर्टिफिकेट पा गए हैं, मेडल पा गए हैं और चेहरे का जो आपका खुशी है वो तो देखने लायक है। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या बनना चाहते हैं? सर मैं NDA ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, यानी देश की सेवा करना चाहते हैं?